अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम करते हैं। टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज लाहौर का पहला और सबसे बड़ा जॉब इन्फॉर्मेशन सेंटर है, जहां हम मुख्तलिफ फैक्ट्रियों, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर हाउसेज, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियों, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज और वीजा ऑफिसेज की जॉब्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैंक्स की जॉब के हवाले से। आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर इस वक्त जो है वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और जो लोग उनके साथ लिंक करते जा रहे हैं, अटैच होते जा रहे हैं, वो भी बहुत तेजी के साथ अपने स्किल सेट को बेहतर करते जा रहे हैं और अपने इनकम को बढ़ा रहे हैं। टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने बैंक सेक्टर की हायरिंग का आगाज कर दिया है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो कि इंटर और ग्रेजुएशन है और बिल्कुल फ्रेशर हैं। ऐसे तमाम अफराद जिनकी तालीम कम अज कम FA या BA है और वो तमाम मेल और फीमेल जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं या तजर्बा ले चुके हैं, वो बैंक सेक्टर के 4 डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब कर सकते हैं। हमारे पास 5 मुख्तलिफ प्राइवेट बैंक हैं जिनकी लाहौर भर के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस के ऊपर हम हायरिंग कर रहे हैं। अगर आप लोग भी बैंक सेक्टर की जॉब करना चाहते हैं जहां पे 9 to 5, 9 से 5 बजे 8 घंटे की आपकी ड्यूटी हो और आपको वहां से हफ्ते और इतवार की ऑफ दी जाए यानी छुट्टी दी जाए, तो आप बैंक की इन जॉब्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इन 4 डिपार्टमेंट की नौकरियां हमारे पास मौजूद हैं जिसमें इंश्योरेंस डिपार्टमेंट मौजूद है और ये बैंक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होगा। इसमें आप डायरेक्ट कंपनी का काम नहीं करते बल्कि बैंक के अंदर बैठ के आप इंश्योरेंस का काम करते हैं। इसके अलावा हमें अकाउंट्स ओपनिंग के लिए कैंडिडेट्स की जरूरत है और वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि एज ए BDO काम करना चाहते हैं अकाउंट्स ओपनिंग का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो कि क्रेडिट कार्ड सेल्स करना चाहते हैं और क्रेडिट कार्ड सेल्स के हवाले से बैंकिंग सेक्टर की जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डिपार्टमेंट जो कि बैंकिंग सेक्टर का है वह लोन डिपार्टमेंट, यानी आप कर्जे पे गाड़ियां देना चाहते हैं, आप कर्जे की सूरत में कैश फराहम करना चाहते हैं, तो आप इन 4 डिपार्टमेंट, अगर आप इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं तब भी अप्लाई किया जा सकता है, लोगों के अकाउंट्स ओपन करने में उनकी मदद कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड की सेल का हिस्सा बन सकते हैं और उस टीम के अंदर काम कर सकते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि आप लोन के हवाले से, कर्जा जात के हवाले से बैंकिंग सेक्टर की जॉब ज्वाइन कर सकते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 9 to 5 सैटरडे संडे ऑफ होता है। आपको टैलेंट कनेक्टिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू इन बैंक्स के अंदर मुख्तलिफ लोकेशन पे लाहौर में रेफर किया जाएगा, जहां से आप इजीली 1 माह के अंदर 22,000 से लेके 35,000 पे महाना कमा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका PR बहुत अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है और आप जो है वो लोगों को कन्विंसिंग पावर रखते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप लोगों के साथ पुरएतमाद होकर अपना पैगाम उन तक पहुंचा सकते हैं, तो ये जॉब सिर्फ आपके लिए है। आपको बात करने के पैसे दिए जाएंगे, आपको बात गाइड करने के पैसे दिए जाएंगे, और अगर आप समझते हैं कि आप बातें कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं और टैलेंट कनेक्टिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर बैंक में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए आसानियां फराहम करने के लिए भी मदद कर सकते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो बिजनेस करना चाहते हैं आप उन्हें कर्जा कैश की सूरत में दे सकते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं और गाड़ी लोन पे लेना चाहते हैं आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उन तक अपने बैंक की आवाज को पहुंचा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप बैंक की इस जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपना नाम लिखें, हमारे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपको एक ग्रुप का लिंक आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू का मैसेज आएगा जिसके मुताबिक आप उन तमाम डेट्स, उन दिनों के अंदर, उस टाइमिंग के उसी दिन जॉब के लिए रेफर कर देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम आने वाली YouTube चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको आती रहे। हमारे TikTok अकाउंट, स्नैक वीडियो, LinkedIn, Instagram, Twitter और Facebook पेज को लाजमी फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।